देवर्षि भूतात्मुनीनां पितृणां न किंकरो नायं ऋणि च राजनो सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहित्वकर्तं देवर्षि भूतात्मुनीनां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणि च राजनो सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिहित्वकर्तं गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु जी ने बताए, एक ही जन्म में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पोपा जगत गुरु जी ने बताए, एक ही जन्म में हम सिद्धि को प्राप्त कर सके, स्वतंत्रता परित्याग करके संपूर्ण शरणागत होकर गुरुवानुगत्व में निष्कपट भजन करने से एक ही जन्म में सिद्धि अनिवार्य अवश्य मिलेगी। स्वतंत्रता परित्याग पूर्वक संपूर्ण शरणागत होकर गुरुवात गुरुवानुगत में निष्कपट भजन करने से इसी जन्म में सिद्धि मिलना कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है ये शरणागत होना। अनंत काल का जो संस्कार बना हुआ है उसको काट के फेंकना बड़ा मुश्किल है। काल ये चर्चा हो रहा था, जब तक हम शरणागत न हैं हमारा मंगल का जुमा हमारा ऊपर रखने का हमारा इच्छा, तब तक कोई मंगल नहीं मिलेगी। गुरुचरण में सम्यक शरणागत होने से हमारा जो कंट्रोलिंग पावर सब गुरु जी का हाथ में, गुरु वैष्णव का हाथों में चला जाए। अब वो हमारा मंगल का बारे में सोचे, क्योंकि बद्ध जीवों का जो एप्लीकेशन है वो ठाकुर जी का भगवान का चरण में पहुंचता नहीं, भगवान तक पहुंचता नहीं। शरंग शरणागत ही वे जहार तहारो प्रार्थना सुने बजंद कुमार। जब तक सरंग शरणागति को प्राप्त नहीं कर सके तब तक हमारा जो प्रार्थना है एप्लीकेशन है ठाकुर जी तक पहुंच नहीं पाते। इसीलिए कीर्तन में है वैष्णवेरो आवेदन है कृष्ण दयामय एहन पामर पति हईबेन सदय, इसीलिए ऐसा है वैष्णवेर आवेदने कृष्ण दयामय एहन पामर पति हईबेन सदा, ऐसा लिखा हुआ कीर्तन में। गुरु वैष्णव अगर हमारा लिए प्रार्थना ठाकुर जी के चरण में करे तो हमारा मंगल कन्फर्म। यहां काल ये चर्चा हो पाया कि ठाकुर जी अंतिम में अपना दोस्त अर्जुन को उपदेश दे रहा है, देखो हतो वा प्राप्स्यसि सर्गम जित्वा वा भक्ष्यसि महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। अगर तुम युद्ध में मारोगे तो स्वर्ग प्राप्त सुनिश्चित है और जय प्राप्त होगे तो ये पृथ्वी वो शासन करोगे भोक्ष से भोग करोगे। तस्मात् इसीलिए युद्ध करने का जो फासला है बना लो। लेकिन अर्जुन का संशय अभी तक नहीं जा रहा है, इतना तत्व उपदेश देने का बावजूद
निश्चित रूप से अर्जुन का अंदर में कुछ फैसला नहीं निकल रहा, अभी भी कुछ संशय है। बहुत सारे चर्चा करे, बहुत सारे विचार करके भगवान दिखाए, ये देखो ऐसा नहीं कि हमने बोला लोक निंदा करे इसीलिए तुमको अपना कर्तव्य को निभाना है, अथवा पृथ्वी भोग के लिए, पृथ्वी का जो भोग है ये भोग को प्राप्त करने के लिए, अथवा स्वर्ग प्राप्त के लिए ऐसे तुम अपना काम करोगे अर्थात अपना कर्तव्य करोगे, इसमें जो तुम्हारा धर्म पालन का एक जो बहाना है ये बड़ा बात नहीं है, क्योंकि सारे इसमें कोई रीजन है, इसीलिए ये करे, उसीलिए ये करे, कॉजलेस कंडीशन नहीं। इसी में तुम्हारा जो धर्म पालन का सवाल आता है ये उतना बड़ा धर्म नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। सधर्मो या तो सकर्तव्यो अर्जुन समझता नहीं है, ऐसा नहीं, लेकिन अर्जुन का मन में ये थोड़ा संदेह है कि अगर सधर्म पालन मैं करने गया, ठीक है हम कर लेंगे सधर्म पालन करने गया, तो उसमें अगर गुरुजन आदि बधों का पाप मेरे को लगे कि ना लगे, ये क्वेश्चन है। सधर्म हम पालन कर लेंगे ठीक है चलो, लेकिन सधर्म पालन करने गया तो हमारा गुरु वर्ग है, हमारा पितामह भीष्म द्रोणाचार्य आदि सब कोई का जो गुरुजनों का वध का हत्या का पाप मेरे को स्पर्श करे कि ना करे, ये विचार। ऐसा जब प्रश्न आया तो ठाकुर जी अपना कर्म जो क्या विशेष है, इसमें क्या विशेष है, ये सब बोलने के लिए प्रयत्न किए, काल ये सब चर्चा हो गया। और अर्जुन का अंदर में जो कर्तृत्व अभिमान डुअरशिप कर्ता अहम मन्नते ये भाव का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, ये अभी तक है अंदर में। सो कामना और कर्तृत्व अभिमान को त्याग देने का बाद कैसे कर्तव्य कर्म किया जाए, जैसे पाप स्पर्श ना करे, इसका उपदेश ठाकुर जी अभी दे रहे हैं। उपदेश तो ये है युद्ध जरूर करो, कर्म करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये तुम्हारा फल का ऊपर आशा नहीं करना, फलाशक्ति त्याग कर, फलाशक्ति फल का आसक्ति, फल प्राप्ति करने का जो आसक्ति है ये त्याग कर। सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युद्धस्य नैवं पापम अवाप्स्यसि। ये सामान्य रूप में अभी सामान्य रूप में ये जो निष्काम कर्मयोग का थोड़ा बैकग्राउंड तैयारी हो रहा है, ठाकुर जी कर रहे हैं। फलाशक्ति त्याग करके लाभ अलाभ प्रॉफिट एंड लॉस सिद्धि असिद्धि समो ज्ञान करके तुमको कर्म करना पड़ेगा, इसमें कर्म करो। सिद्धि लाभ होने से भी तुमको संतुष्ट होने का कुछ नहीं है, असिद्धि अर्थात सिद्धि लाभ नहीं करने से कष्ट बोध कष्ट अनुभव करने का भी कोई रास्ता नहीं, उचित नहीं है, करना नहीं चाहिए, क्योंकि कर्म जो है ये बंधन का कारण नहीं है।
कर्म छोड़ के क्या करे? मायावादी लोग अगर कहे तो हम लोग कर्म छोड़ दिया, कर्म बंधन का कर्म, कर्म त्यागी सन्यासी। लेकिन बाद में ठाकुर जी विचार करेंगे गीता में, ये कर्म त्याग करने का अधिकार किसी को नहीं है। कर्म त्याग करने का अधिकार किसने दिया? अपना खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, सभी तो कर्म है। तो ये भी त्याग दो, ये भी त्याग दो, खाना पीना त्याग दो, ये भी तो कर्म ही है, और क्या, ये भी त्याग दो। वो नहीं त्यागेगा, खाने पीने का टाइम में ठीक है, घूमने का टाइम में है ना, डोलने का टाइम में ठीक है, लेकिन अभी कुछ कर्म करने बोलो, भक्ति कर्म व कुछ भी कर, भक्ति का जो क्रिया वो कुछ नहीं करे, ये सब नहीं करे। मायावादी लोगों का ये सब खतरनाक विचार, विचार ये है कि कर्म तो बंधन का कारण नहीं है, कर्म बंधन का कारण नहीं है, नहीं, कर्म बंधन का कारण नहीं है, कामना वासना ही बंधन का कारण है। कर्म बंधन का कारण नहीं है, कामना कामना वासना जो है कर्मों से, ये कर्म करे इसका फल हमको कामना, यही बंधन का असली कारण। तो विचार ये बनता है कि असक्त होकर फल कामना को त्यागने का बाद, फल कामना को त्याग करके समत्व बुद्धि, इक्विपोइज्ड कंडीशन, बैलेंस कंडीशन, समत्व बुद्धि युक्त होकर अपना कर्तव्य कर्म कर्म को करने से, युद्धादि यद्यपि युद्धादि हिंसा तो है ही, बाहरी दृष्टि में हिंसा कर्म तो है ही, एक दूसरे को काटना पीटना तो क्या है, लेकिन ये टेक्निक जो हमने बताए, ऐसा करके अगर युद्ध करो, युद्ध मतलब तुम्हारा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य कर्म है, तुम्हारा ड्यूटी है, युद्धे चापि अपलायनम शौर्यं धीतिर शौर्यं वीर्यं धीतिर दाक्षम युद्धे चापि अपलायनम, ये तो क्षत्रिय धर्म है ना, तो आपका तो वर्णाश्रम धर्म का मुताबिक आपका जो वर्णों का हिसाब से आप क्षत्रिय हो, आपका ये विहित कर्म है युद्ध, ये युद्ध कर्म अगर करने आप जाओ, ये विचार जो हमने बताया, ऐसा करके अगर अपना कर्तव्य को निभाने जाओ, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा युद्ध करना फर्ज है, और ये भी धर्म युद्ध है, बेकार युद्ध नहीं है, तुमने नहीं बुलाया, युद्ध का कारण तुम नहीं हो, और दुष्ट दुर्योधन है, तो ये होना ही है, ये धर्म युद्ध है, तुम धर्म का पक्ष में हो, वो अधर्म का पक्ष में है, ऐसा युद्ध प्राप्त करना क्षत्रियों के लिए तो बड़ा सौभाग्य की बात है। क्षत्रियों लोग भी डरते नहीं, जो ये जो विचार हमने बताया, ऐसा करके तुम अपना कर्तव्य कर्मो अर्थात युद्ध करने जाओ, तो इसमें हिंस कर्मो, हिंसा बहुल कर्मो तो है ही है बाहरी दृष्टि में, फिर भी इसमें तुम्हारा पाप स्पर्श होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। युद्ध विग्रह तो है, तो काटा पीटी हो, तो हिंसा तो है ही है, लेकिन फिर भी इसमें तुम्हारा ये सब पाप में तुम्हारा लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि पाप तुमको स्पर्श करना संभव नहीं। ये जो समत्व बुद्धि, हानि लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, मान अपमान, ये जो जय पराजय, ये जो समत्व बुद्धि, बैलेंस कंडीशन ऑफ माइंड, ये समत्व बुद्धि जो, ये समत्व बुद्धि रखना,
ये समत्व बुद्धि को रखना, इसको ही योग बोला गया। ये जो समत्व बैलेंस कंडीशन को स्थिर रखना, घबरा नहीं जाना, एकदम बिल्कुल बैलेंस कंडीशन को एकदम बना के चलो, अगर ऐसा कर सकोगे तो इसको ही योग बोला जाता है। इसमें कोई अटैचमेंट नहीं हो सकता। और यह ये जो है, ये जो हमने बताया, यही गीता में उल्लेख किया गया निष्काम कर्म योग। ये बड़ा भारी गंभीर विषय है। इसमें ठाकुर जी काल इस श्लोक तक विश्राम दिया गया। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु बुद्ध्वा बुद्ध्वा युक्तो त्वया पार्थो कर्मबंधम प्रहाससि। एषा ते अविहिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमं शृणु बुद्धा युक्तो यया पार्थो कर्मबंधम प्रहाससि। हे पार्थो, तुमको अभी ये जो सांख्यो ऐसा ते अवीता सांख्ये, अरे सांख्ये निष्ठा विषयक ज्ञान अभी हमने तुमको उपदेश दिया। अभी योग विषयक ज्ञान ध्यान से श्रवण करो, बड़ा ध्यान से श्रवण करो, तो दोनों में आपका विचार बन पाए तो आपका समाधान हो सकता। इस ज्ञान को प्राप्त करने से कर्म बंधन त्याग होना ये स्वाभाविक है, ये हो जाएगा। ये जो ऐसा ते अविहिता सांख्ये, ये सांख्ये बोलने से हर आदमी ये विचार बना लेता है, ये जो सांख्य दर्शन जो कपिल जी महाराज सत्य युग में, और एक कपिल जी है वो त्रेता युग में अग्निवंशीय कपिल, ये निरीश्वरवाद ये नहीं, लेकिन हमारा जो कपिल जी महाराज है सत्य युग में देवाहुति नंदन कपिल जी महाराज, ये मायावादी नहीं है। बहुत सारे भक्ति का बात उठाए, बहुत सारे विचार बनाए। अब आम आदमी में ये कन्फ्यूशन बन जाता है, वो सोचता है एक ही कपिल है, बुद्ध भी ऐसा ही, वो सोचता है एक ही बुद्ध है, एक किकट इक्कीकट देश में आविर्भाव होके धर्म संस्थापन का जो काम है ये तो हमारा भगवान बुद्ध है, और एक बुद्ध लुम्बिनी नगर साक्ष्यो वंशीयो नेपाल का साक्ष्यो वंशीयो तराई अंचल में पहाड़ी का चट्टी में नीचे, वो साक्ष्यो वंशीयो को बुद्ध ये है, वो गौतम बुद्ध है। ये दोनों में कन्फ्यूजन हो जाए तो विचार भी उल्टा हो जाएगा। अगर जरा सा भी उल्टा हो जाए विचार भी पूरा सरासर गलत। जैसे मैथमेटिक्स है ना, उसमें बहुत सुंदर मैथमेटिक्स किया, लेकिन एक जगह जरा सा गलती हो गया, एक जगह बिल्कुल सामान्य गलती, तो सामान्य गलती के कारण पूरा मैथमेटिक्स गलत, जीरो मिलेगी। ऐसा ही है हमारा श्रीधर जी, श्रीधर स्वामीपाद जी ने बहुत सुंदर करके ये जो भगवान ऐसा ते अवीता सांख्ये, ये सांख्य दर्शन का नहीं, जब भी सांख्य दर्शन का कुछ कुछ विचार इसमें हमने देखा वो है, लेकिन पूरा के पूरा शंकर दर्शन का विचार नहीं है। एक कपिल जी आवार थोड़ा बहुत लिया गया विचार प्रकृति पुरुष आदि, लेकिन गीता में एक एक जगह एक एक शब्दों का क्यों प्रयोग हुआ, कैसे प्रयोग किया,
ये बड़ा मुश्किल की बात है, ये समझना पड़े। समझने में अगर गलती हो जाए तो विचार भी गलती हो जाए। श्रील सिद्धा समीपाद कहते हैं सम्यक ख्यायते प्रकाशन्ते वस्तु तत्व मनया इति संख्या सम्यक ज्ञानम तस्याम प्रकाशमानम आत्मतत्त्वम सांख्यम। सिद्ध साईपाति सम्यक ख्यायते मा जिसके द्वारा हमको पूरा तत्व ज्ञान का खुलासा मिलता है। सम्यक ख्यायते प्रकाशन्ते वस्तु तत्व मनया इति सांख्या सम्यक ज्ञानम। इसके विचार से सांख्यो ऐसा शब्द ठाकुर जी ने यूज किया, एषा ते अवीता सांख्ये बुद्धिर योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थो कर्म बंधम प्रहास्यसि। तुम अगर ये विचार बना के युद्ध करो, बुद्ध ऐसा बुद्धि अगर लगाओगे बुद्धि योग, तो तुम्हारा कर्म बंधन का कोई सवाल ही है नहीं, कर्म बंधन का कोई सवाल है नहीं, तो तुम घबराओ मत। सांख्यो शब्दों का ऐसा अर्थ है अविधान, अविधान में तत्व ज्ञान। सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से भी दो मार्ग प्रसिद्ध है, एक साधन मार्ग बा मोक्ष पथ और एक सांख्यो बा ज्ञान मार्ग। सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से दो साधन मार्ग बा मोक्ष प्रचलित, एक है सांख्यो बा ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग। सनातन धर्म में अति प्राचीन काल से दो साधन मार्ग अर्थात मोक्ष की पथ प्रचलित है, एक है सांख्यो बा ज्ञान मार्ग, दूसरा है कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग को अवलंबन करके प्रायः आदमी कर्म त्यागी बन जाते हैं। ज्ञान मार्ग को अवलंबन करने वाले जो है प्रायः ये लोग कर्म त्यागी बन जाते हैं। कर्मों से निवृत्ति इसको निवृत्ति मार्ग भी बोला जाता है। कर्म मार्ग अवलंबनकारी व्यक्ति लोग, कर्म मार्ग को अवलंबन करने वाले जो है ये लोग ज्ञान लाभ करने का बाद भी कर्म को छेदन ना करके अनाशक्त होके कर्म करता है। कर्म मार्ग अवलंबनकारियों ने ज्ञान लाभ करने का बाद भी कर्मयोग छेदन करता नहीं, ये लोग करते नहीं, कर्मों में लगे रहते हैं। योग मार्ग कर्म फिर भी कर्मों का दो भाग है, एक सकाम कर्मों एक निष्काम कर्मों है। याग यज्ञादि कामों कर्मों जो है इसको भी कर्मयोग बोला जाए, ये वैदिक कर्मयोग। कर्म दो किस्म का है, एक है सकाम कर्म दूसरा है निष्काम कर्म। याग यज्ञादि पूजन आदि जो कामों कर्मों इसको भी कर्मयोग कहा जाए, लेकिन वह वैदिक कर्म जो गीता का कहना है कि ये सब जो कर्म है
गीता का कहना है ये सब जो जाग जुग आदि जो जो कुछ भी करना है, गीता कहते हैं ये सब कर्म भी निष्काम भाव से करना चाहिए। ये सब कर्म भी निष्काम भाव से करने चाहिए। सो गीता का जोग ये जो शब्द है इसके द्वारा निष्काम कर्म योगी माना जाए, यही है वैदिक कर्म योग। ज्ञान मार्ग को समझाने के लिए सांख्य शब्दों और निष्काम कर्म योग को समझाने के लिए योग, ये दोनों शब्दों गीता में पुनः पुनः व्यवहार किया गया। शायद आपको याद है एक ज्ञान मार्ग में एक प्राचीन स्वरूप महर्षि कपिलदेव प्रणीत पुरुष प्रकृति योग बा सांख्य दर्शन अभी हम बोला आपको। ज्ञान मार्ग का अंदर एक प्रकार भेद है, ज्ञान मार्ग का ही एक विशिष्ट विशेष मार्ग है प्राचीन स्वरूप मार्ग, इसका ही प्राचीन स्वरूप महर्षि कपिल देव प्रणीत प्रकृति पुरुष प्रकृति योग विवेक बा सांख्य दर्शन, ये सांख्य दर्शन इसमें विचार किया गया कपिल महाराज जी का। किंतु हर वक्त ये जो सांख्य ऐशा ते अविता सांख्य इसके द्वारा ये सांख्य दर्शन ही पूरा विचार नहीं है। ये सांख्य बोलने से एक इधर जो है सांख्य बोलने से विचार ये है सम्यक रूप में ये वस्तु तत्व का प्रकाश करने के लिए जो व्यवस्था इसको बताया गया। साधारण रूप से ये जो गीता में जो योग है सांख्य ये सब शब्दों, अब इसके द्वारा अगर साधारण आदमी ये समझ ले कि हमारा साधारण विचार में आसन प्राणायाम आदि पतंजल दर्शन इसमें जो अष्टांग योग समाधि योग इत्यादि है ये सब तो नहीं है। ये असाधारण आदमी योग समझ योग ये शब्दों सुनने के साथ साथ सोचा कि वो योग है आसन प्राणायाम ध्यान धारणा अष्टांग योग इत्यादि, लेकिन ये जो हर वक्त गीता में अक्सर ये योग शब्दों किया गया ऐसा मापिक कुछ विशेष योग शब्द टू गेट इन कनेक्शन विद सुप्रीम लॉर्ड, ये अच्छा विचार है। योग बोलने से ही अनुभक्ति योग बोला, जैसे परीक्षित महाराज जब सुक्ताल क्षेत्रों में गया तो कर्म योगी ध्यान योगी ज्ञान योगी राजयोग योगी है ना कितना अष्टांग योगी कितना सारे पहुंचे और अंतिम में परीक्षित मानव में भक्ति योगी, तो योगी तो है ही है। योग मतलब है टू गेट इन कनेक्शन विद सुप्रीम लॉर्ड, द प्रोसीड्योर थ्रू विच, ये पद्धति है जिसके द्वारा हम ठाकुर जी के साथ योग युक्त हो जाए। अब इसका ग्रेडेशन भी है कम बेशी, ठाकुर जी के साथ योग युक्त होना तो कोई ये आसान बात नहीं है। तो योग शब्दों ऐसा सामान्य अर्थों में व्यवहार नहीं किया गया कि इसके द्वारा अष्टांग योग समाधि योग इत्यादि समझे ना। गीता में समाधि योग और सांख्य दर्शन के भी बहुत सारे तत्व समाविष्ट है विचार उठाया गया, ऐसा नहीं कि नहीं है। गीता में समाधि योग या तो सांख्य दर्शन का बहुत सारे तत्व इसमें उठाया गया सन्निविष्ट है। सुतरां योग सांख्य शब्दों भिन्न भिन्न अर्थ पोषक हो सकता या
याद रखना जरूरी है। भगवान अपना दोस्त अर्जुन का शोक मोह को हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। ठाकुर जी अपना दोस्त अर्जुन का शोक मोह आदि हटाने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसी रास्ते पे पहले आत्मा का अविनाशित्व, ये शरीर का नाशवानता, सुख दुख लाभ अलाभ इसका अनित्वता, अनात्म धर्म इत्यादि बहुत सारे तत्व कथा रख दिया अर्जुन के सामने। लेकिन ज्ञान मार्ग का तत्व का अनुसार कर्म संन्यास ना करके कर्मों में प्रवृत्त क्यों होंगे हम, क्या कारण है? एक तो कर्म संन्यास का बात है, कर्म संन्यास ज्ञान मार्ग का अनुसार तत्व के अनुसार कर्म संन्यास विधान है, लेकिन कर्म संन्यास छोड़ के कर्म में प्रवृत्ति, कर्म में हम लगेंगे क्यों, क्या कारण है? कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग का तत्व के अनुसार कर्म संन्यास तो विधान है, तो एक कर्म संन्यास ना करके क्यों हम कर्म में प्रवृत्त होंगे? युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, क्यों युद्ध क्यों करो? इसका कोई मीमांसा समाधान नहीं निकाल रहा अभी तक। वस्तुतः ये युक्ति का बाद भी, ये विचार का बाद भी, ये विचार ठाकुर जी ने प्रस्तुत किए, लेकिन इसका बाद भी अर्जुन का अंदर में कोई समाधान आया नहीं। इसीलिए ज्ञान गर्भ कर्मयोग का तत्व ठाकुर जी बोलने के लिए खड़ा हो गए। अब ठीक है, तुम तो तुम्हारा अभी समाधान नहीं हो पाया। अब देखो ज्ञान गर्भ हो, ये कर्मयोग का तत्व है, ये बोलना शुरू कर दिया। बात सब बात ठाकुर जी ये कहना चाहता है कि ज्ञान लाभ होने का बाद भी निष्काम रूप से कर्म करना चाहिए। इसका मूल बात ये विचार ये है, ज्ञान लाभ हो गया तो सब हो गया और कुछ नहीं, कर्म भवन सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। ज्ञान लाभ करने का बाद भी निष्काम बुद्धि से अपना अपना अधिकार का अनुसार कर्तव्य करना ये उचित है। अपना संस्कार का अनुसार, अपना स्वाधिकार, अपना अधिकार का अनुरूप कर्तव्य कर्म करना ये उचित है। ज्ञान लाभ हो गया का मतलब ये नहीं तो हम सब छोड़ देंगे। मिथिला का राजा जो है जनक महाराज आदि सब ने अपना कर्म किए हैं, लेकिन इन लोगों का जो टेक्निक है कर्म करने का, यही को विचार करना चाहिए। ये क्या है जिसमें लोगों का कुछ नहीं है, कर्म करना ना करना ये बराबर है, कुछ नहीं इसमें कोई फल, इसका जो फल है नतीजा है, क्योंकि किए हुए कर्म का फल जीवों को भोगना पड़े, कोई भी हो, राजा महाराजा हो या तो स्वर्ग का देवता हो या तो शंकर भगवान है, कोई किसी का छुटकारा नहीं है। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुन,
कर्म फल सब कोई का भोगना पड़ेगा, इससे किसी को छुटकारा है नहीं। तो मूल बात यह है, असली बात यह है कि ज्ञान लाभ करने के बाद भी निष्काम बुद्धि लगाकर स्वाधिकार अपना अधिकार का अनुरूप कर्तव्य कर्मों करना ही उचित है। ये तत्व ही अगले सब तीसरा चौथा ये सब अध्यायों में अलग अलग रूप से विचार किया गया। कोई भी कर्म हम करें इसका फल हमको मिलना पड़ेगा। कुछ बिना कुछ किए हुए हम बैठे रहे, ये बैठे रहने का भी जो फल है वो भी मिलेगा। मेरा बात समझा, निकम्मा बन के बैठे, बोले हम तो मैं कुछ तो किए नहीं। अरे कुछ किए नहीं तो बैठे तो है, ये भी तो एक कर्म है बैठना, चुपचाप बैठे निकम्मा बन के, डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग। ये जो है अपना बिना कोई कर्म चुपचाप बैठे हुए, इसका भी फल भोगना पड़ेगा। अपना कर्म फल बिना भोग, अपना कर्म फल मेरे को छोड़ेगा नहीं। ना भुक्तम खियते कर्मो कल्पो कोटि सतई रोपी, ना भुक्तम खियते कर्मो कल्प कोटि सतई रोपी अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम अवश्यमेव भक्तव्यम कृतम कर्मो शुभाशुभम। बिना कर्म फल भोगे हम भाग नहीं सकता किसी भी जगह, भागे कहाँ, भागे अनंत ब्रह्मांड में कहाँ जाएगा, कहाँ भागे। बिना कर्म फल को कर्म फल को भोगे बिना कहाँ भागे। रूप गोस्वामी पास सुंदर जी बताए, सुंदर करके बताए, यद् ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना समयाति बिना न भोगै अपैति नाम स्फुरणेन तत्त्वे विरक्त कर्मेति विरौति भेदः। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं यद् ब्रह्म साक्षात कृतनिष्ठयापि बिना न भोगै, बिना भोग किए हुए कोई रास्ता नहीं है। बिना समयाति बिना न भोगई, बिना समयाति बिना न भोगई अपैति नाम स्फुरणेन तत्ते पारब्ध कर्मेति विरौति भेदः, पारब्ध कर्मेति विरौति भेदः। पारब्ध कर्मों भोग करना ये हर हालत में, इससे छुटकारा नहीं। सतकटि कल्पो चले जाए फिर भी भोग भिन्न, बिना भोग कर्म कर्मों का क्षय होता नहीं। कि तो कर्मों का किए हुए कर्म का अच्छा बुरा फल जो अवश्य भोगना पड़े, इस कर्म फल को भोगने के लिए ही असली बात तो ये है कि अपना कर्म फल को भोगने के लिए ही हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मनोरम पुनरपि मातृ जठरे शयन, यही काम। कर्म फल वेदों में विचार है, अपूर्व बोल के एक शब्द है, अपूर्व मतलब ब्यूटीफुल नहीं, ये शब्दों का नाम है अपूर्व। अपूर्व बने अपूर्व मतलब है कोई जीव पहले पहले जीवन में जिंदगी में कुछ भी किया और इसी जन्म में जो कुछ किया इसका प्लस माइनस डेबिट क्रेडिट
प्लस माइनस होने के बाद जो जो फल रहता है, जो रेसिड्यू, उसको अपूर्व बोला जाता है। पहले पहले जन्म में किए हुए कर्म और इसी जन्म में किए हुए कर्म सब प्लस माइनस होगी, प्लस और माइनस। और प्लस माइनस होने के बाद जो रेसिड्यू रहे, इसको अपूर्व बोला जाता है। कर्म का जो रेसिड्यू, इसको बोला जाता है अपूर्व। ये कर्मफल भोगने के लिए ही हमारा ये पुनः पुनः जन्म मरण का चक्कर है। इससे कोई छुटकारा है नहीं, क्योंकि कर्म है तो कर्म का बंधन भी है। कर्म है तो कर्म का बंधन तो जरूर है। इसको ही कर्म का बंधन बोला गया। इसको ही शंकराचार्य जी ने सुंदर करके बताए, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि मातृ जठरे शयनम। ये चले चलते चले, इसका नाम ही कर्म का बंधन है। तो अभी ये प्रश्न आता है, कर्म अगर बंधन का ही कारण है तो कर्म योग जो है तो ये भी तो कर्म है। वो है कर्म योग के द्वारा कैसे हम कर्म बंधन से छुटकारा मिले, हमको फल ना मिलेगा, कर्म किए हुए कर्म का फल नहीं मिलेगा कैसे, ये टेक्निक क्या है। कर्म योग के द्वारा कैसे हम कर्म बंधन से छुटकारा मिले हमको, यही निष्काम कर्म योग द्वारा ही त्वा ये विषय संभव है। क्योंकि पहले ही बताया, बंधन जो है ये कामना और कर्तृत्व अभिमान, कर्ता अहम इति मन्नते। बंधन की कारण जो है ये कामना है और कर्तृत्व अभिमान, डुअरशिप। कर्म का भी बंधन का कारण नहीं है। अगर हम लोग फल कामना और हम करता है ऐसा अभिमान को छोड़ के उसके साथ साथ सिद्धि असिद्धि सबको समान बना के समज्ञान करके कर्तृत्व अभिमान को त्याग देने का बाद वर्जन करके अगर कर्म करना सीखे तो ये कर्म हमारा बंधन का कारण नहीं होगी। समो सिद्ध असिद्ध चकृत्वापि न निबद्धते। तो इसीलिए ये जो नेहाविक्रमणाशोस्ति प्रत्याभयो न विद्वते सल्पम ओपी अश्व धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बड़ा विचार वाला चीज है ये जो अभी अपने इतना सारे सुंदर बताया। इसी को ही भगवान सुंदर श्लोक में बताए, नेहाविक्रमणाशोस्ति प्रत्याभयो न विद्वते सल्पम सल्पम ओपी अश्वधर्मस्य त्रायते महतो भया। ऐसा मापिक धर्म अगर किया जाए, सल्पम ओपी थोड़ा सा किया, फिर भी ये हमारा महाभय से हमको बचा सकता है। ये कर्मों का मार, ये जो जैसे टेक्निक हमने बताया ऐसे चले तो इसमें नेहाविक्रमण आशो, इसमें आरब्ध कर्मों आरब्ध कर्मों का निष्फलता, नेहाविक्रमणाशो नेहाविक्रमणाशो अस्ति प्रत्याभयो न विद्वते। ये जो हमने निष्काम कर्मयोग का थोड़ा टेक्निक कौशल बताए, इसमें आरब्ध कर्मों निष्फल होता नहीं,
एवं इसमें कोई गलती भी हो गया होगा किट विच्छुति जानी तो कुछ भी हो, ये कभी निष्फल नहीं होगी। पाप या तो विघ्न रुकावट नहीं होगी, क्योंकि ये धर्म का सामान्य आचरण अगर करके छोड़ दिया शरीर, फिर भी ये महाभय से अल्टीमेटली मेरे को बचाने वाला है। ये धर्मो स्वल्पमोपि अश्वधर्मस्य कस्य धर्मस्य निष्काम कर्मयोगस्य, ये त्रायते महतो भयात्, महाभय से मेरे को त्राण करे। नेहाभिक्रमणाशोस्ति प्रत्यापयो न विद्वते, तुमको प्रायश्चित करने का कोई दरकार नहीं, कुछ गलती भी किया होगा तो ऐसा है। ये निष्काम कर्म योग के रास्ते में आरब्ध कर्मों निष्फल होते नहीं, इसमें थोड़ा बहुत गलती भी हो गया हो तो इसमें आपका पाप, आपका वो जो प्रत्यापय मतलब उसके लिए फल भोगना विघ्नो, इसके लिए जो है ये नहीं होगी, क्योंकि इसका थोड़ा सा भी आचरण किया सही ढंग से तो ये आपको महाभय से परित्रम करने वाले हैं। अब ये महाभय क्या है, महाभय का बारे में जो बताया है क्या है? ये महाभय ये विचार करना चाहिए। कामना मूलक जो जाग यज्ञो व्रतो तपस्या आदि ये प्रारंभ होने का बाद अगर सुसंपन्न नो ना हो पाए, इसके लिए प्रत्यापाय अर्थात निष्फल होता है और इसका लिए भी फल भोगना पड़ता है, एक्सपायेशन, गलती हो गया तो मुश्किल। कामना वासना मूलक जो जाग योग्य है व्रतो तपस्या आदि प्रारंभ होने के बाद अगर सुसंपन्न न हो पाया तो निष्फल हो जाता है सारे के सारे। इतना परिश्रम किया महाराज, सारे बेकार। जितना तक किया है, जितना परिश्रम किया है, जितना कोई एनर्जी लगाया है, सारे बेकार चल बसा, सारे बेकार चला जाएगा। पुनः हमको एकदम स्टार्टिंग से, एकदम प्रारंभ जहां से मैंने शुरुआत किया वहां से फिर शुरू करो जाओ। ये प्रायश्चित है ना, तो क्या है प्रत्यापाय पनिशमेंट, वो जाओ पहले शुरू करो। और इसमें ये अगर करने जाए तो इसमें अंग विच्छुति आत्मा अंग हानि, याग योग उसमें कोई अंग विकलंग हो गया, सही ढंग से निभा नहीं पाए, कृति विच्छुति कुछ गलती हो गया होगा, अंग हानि, इसमें प्रत्यापाय व पाप भी है। इसी कलिकाल में कोई असमिद्ध योग्य या तो राष्ट्रीय योग्य करने का हिम्मत नहीं करेगा, कोई नहीं करे। महाराष्ट्र में बहुत दिन पहले जब मैं छोटा था, ज्यादा उम्र नहीं, सुना था एक आदमी बड़ा पैसा वाला यज्ञ करने गया तो सत्यानाश हो गया उसका, क्योंकि सारे के सारे मिलावटी है। योग करोगे तो उसमें घी मिले, घी मिलेगी नहीं अच्छा, और प्यूरिटी भी उतना नहीं है। ब्राह्मण जो है करने जाए उतना पावर भी नहीं है, कलिकाल का है, उसका अंदर में कोई पावर ज्यादा नहीं है। पहले का मापी ऋषि मुनि का कितना पावर है, जो बोले वो हो जाए। कलिकाल में ऐसा नहीं है, वस्तु सिद्धि नहीं है, व्यक्ति सिद्धि नहीं है, जो साधन लगा वो कुछ सिद्धि नहीं है, कुछ नहीं, कोई भी कुछ करने जाओ तो उसमें सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि नहीं, शुद्धि
परफेक्शन नहीं है। इसलिए कलिकाल में एकदम नाम छोड़ के हरि कथा हरि कीर्तन नाम हरि कथा अगर कोई स्वार्थ लेके बोले तो वो भी मुश्किल है। तो कलिकाल में इस काल में कुछ करने जाओ तो उसमें अंग हानि हो कुछ भी हो बहुत सारे मुश्किल। देखो दक्ष यज्ञ करने गया तो उसमें अंग हानि हो गया, विनाश प्राप्त है दक्ष यज्ञ, पुनः शुरुआत करना पड़ा। शुक्राचार्य जी भी बलि महाराज के यज्ञ के बारे में ठाकुर जी को बताया, देखो अब क्या करे तो यज्ञों का बीच में रुकावट हो गया। और शुक्राचार्य भी बोले देखो जो भी अशुद्धि है मंततः छिद्रम तंततः छिद्रम है ना, मंत्रतः मंत्र का कोई छिद्र हो गया मतलब दोष आ गया मंत्रों में, मंत्रतः छिद्रम तंत्रतः तंत्रतः छिद्रम देश काल समारहतः सर्वम निश्छिद्रम करोति तब नाम संकीर्तन। शुक्राचार्य जो एक अच्छा बात बताए बढ़िया है, तो शुक्राचार्य जो सुरो का गुरु लेकिन ये बात अच्छा बताए ठाकुर जी, जो भी है गलती है मंत्रों का गलती वस्तु का गलती देश काल स्थान काल पात्रों का कोई भी गलती हुआ होगा तो फिर भी ठीक है, सर्वम निश्चिद्रम करोति नाम संकीर्तन तब नाम संकीर्तन, आपका जो नाम संकीर्तन है ये सारे के सारे व्यवस्था को निश्चिद्र निष्कलंक बना सकता है। ये बड़ा भारी सिद्धांत है, अपूर्व सिद्धांत शुक्राचार्य जी ने बताए, ये सही बात है इसमें कोई गलती नहीं, पक्का बात बताए। तो ये जो यज्ञ आदि तपस्या कुछ भी करने जाओ इसमें अंग हानि होने से प्रत्यावाय व पाप हो सकता है, इसमें लिए पनिशमेंट मिलेगी शास्त्रों के दौरान, ये खबर मिलता है। किंतु निष्काम कर्म जो करने जाओ इसी रास्ते पे ऐसा कोई आशंका करने का कोई दरकार नहीं है, क्योंकि ये सब है नहीं कुछ। निष्काम कर्म योग का रास्ते पे अगर जाओ तो इसमें ऐसा कोई आशंका नहीं कि आपको पनिशमेंट मिलेगी कुछ मिलेगी। जो कर्म योग में आरूढ़ हो गया अर्थात कर्म योग को अपनाया जिंदगी में अर्थात जो व्यक्ति समस्त कर्तव्य कर्मों स्वार्थाभि संधि और कामना वासना त्याग करके संपन्न करने के लिए सचेष्ट है, स्वार्थाभि संधि या तो कामना वासना को त्याग करके संपन्न करने का बिल्कुल प्रचेष्टा में लगी हुई है सतत चेष्टा करता है, ऐसे कर्मों और कर्मों फल जो भगवान में अर्पित हो जाता है, क्योंकि कामना नहीं तो फल कहाँ जाए, कर्मों और कर्म फल भगवान में अर्पण करके एकांत भाव में ठाकुर जी का आश्रय ले लेते हैं, क्योंकि कर्मफल आश्रय कर्मफल को आशा नहीं किया जाए तो स्वाभाविक है, ये तो संभव असंभव बात है। कर्म और कर्म फल भगवान में अर्पण करके एकांत भाव में भगवान का आश्रय ले लिया। जो व्यक्ति कर्मों हमारा है फल हमारा नहीं है, फल ठाकुर जी का है, हम यंत्र का मापिक ऐसा सोच लेता है बढ़िया भाव। जो व्यक्ति कर्मयोग करने गया कर्मयोग आरूढ़ होके जो समस्त कर्तव्य कर्मों स्वार्थाभि संधि अपना मन में के स्वार्थ का विचार रख के नहीं कर रहा है और कामना वासना को त्याग दी के
सर्वदा सदा सर्वदा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। जो व्यक्ति हर वक्त सोचता है कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म का फल में मेरा अधिकार नहीं, फल तो ठाकुर जी का है, मतलब अर्पण करके हम तो यंत्र का मापिक। जो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बाद में बताएंगे विश्व रूप दिखाने के बाद, अरे अर्जुन तुम खून, तुम मारने वाला कौन हो, तुम मारने वाला कौन हो, निमित्त मात्म भव सभ्यसाजी, हे सभ्यसाजी तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, निमित्त मात्र बन जाओ, सब तो हम ही करेंगे। जो ऐसा विचार करके चलता है उसका अंतकरण ठाकुर जी का ओर आकृष्ट होना स्वाभाविक है। जो ऐसा विचार बना के चलता है, हम यंत्र हैं, हम कुछ नहीं है, हमारा अधिकार नहीं कर्म फल में, तो ठाकुर जी के हाथ में है, ऐसा अगर करने जाए तो ये इसमें एक किस्म का शरणागति है। कर्मार्पण करके एकांत भाव में ठाकुर जी का शरण ले ले तो ये इसका जो चित्त है ये स्वाभाविक रूप में ठाकुर जी का ओर आकर्षित होने लगने लग जाएगा, आकर्षित। इसका बुद्धि जो है, इनके इनके जो बुद्धि है धीरे धीरे शुद्ध होके निष्काम होने लग जाएगा बुद्धि, और आत्मन्नति सेल्फ प्रोग्रेस, आत्मोन्नति के रास्ते पे, आत्मा का उन्नति के रास्ते पे ये मार्ग जो है बड़ा प्रशस्त मार्ग है, बड़ा अच्छा है। इसमें अगर एक जन्म में नहीं भी हो पाया फिर भी जन्मांतर में इसका सिद्धि लाभ हो ही जाएगा। इसीलिए बताया गया अगर थोड़ा बहुत निष्काम कर्म योग आरंभ करके भी कामयाबी नहीं मिली तो क्या, तो क्या मुश्किल हो सकता, नहीं। इसीलिए बोले स्वल्पमोपी अश्वधर्मस्य त्रयते महतो भया, स्वल्प माने थोड़ा बहुत प्रारंभ किए, ये आचरण करने के बाद कामयाबी नहीं मिली, शरीर छोड़ दी, शरीर को छोड़ दी, अल्प आचरण थोड़ा बहुत आचरण कर लिया, ये मानव को ये आदमी को भी महाभय से त्राण कर देगा। क्यों, मुमुक्षु मानव का प्रधान शत्रु है कामना वासना, सबसे बड़ा शत्रु है ये वासना। जो धीरे धीरे काटने का कोशिश करे, कटाने का, धीरे धीरे कटाई करके धीरे धीरे छोटा करने का, एक बार तो होने वाला नहीं धीरे धीरे। इसीलिए जिसका बुद्धि या ये जो कर्म वासना जो सदा सर्वदा इसको काटने का चेष्टा में लगे हुए है, कर्म वासना को काटे, इस वासना को जो व्यक्ति काटने का चेष्टा में लगे हुए है, छोटा कर दो, छोटा कर, धीरे 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 करते करते एकदम बिल्कुल कामना वासना को जो व्यवस्था है आशा आकांक्षा उसको खर्ब करो, खर्ब में छोटा करो, काटते करते चेष्टा करें। इसके कारण इसका बुद्धि मनोरथेन असतो धावत, वही जो हमने बताया ये छोड़ देगी। मन का जो वृत्ति है अभी अंतर्मुखी होने लग जाएगा। ये जो मन है आज धीरे धीरे ये रास्ते में चले, आत्मोन्नति के रास्ते पर एकदम अच्छा रास्ता दिखेगा, प्रशस्त है। एक जन्म में नहीं हो तो जन्मांतर में भी कामयाबी जरूर मिलेगी। थोड़ा बहुत कर लिया लेकिन पूरा नहीं कर पाया, फिर भी
मानव को कोई आदमी अगर कर पाया तो उसको महाभय से त्राण देने वाला है। क्यों? मुमुक्षु व्यक्ति का प्रधान शत्रु है वासना। मनो एव मनस्वानम कारण बंधन मुक्त, ये मन का अंदर में कामना वासना संकल्प विकल्पात्मक, मन का काम है संकल्प करना विकल्प करना, संकल्प विकल्पात्मक मन है, कामना वासना ही मूल शत्रु है। काम ईशो क्रोध ईशो रजो गुणो समद्भव महासनो महापापना विद्दीनमेनम वैरिणम, ये शत्रु है कामना वासना। ये बहिर्मुख होता अर्थात मनोरथेन धावतो बही, ये तो आम आदमी का ये इतिहास है। मनोरथेन असतो बही, असत मनोरथेन असतो, असत व्यक्ति बहिर्मुख विषय में चला गया। शब्द परसो रूप रस गंधों का फील्ड पांचाल देश में घूमने चले गए, ऐसा अक्सर होता है। तो ये कामना वासना को धीरे धीरे कंट्रोल कर पाए तो उसमें जो डर है पतन का, जो डर है ये स्वाभाविक कम होते जाएगा। ये कर्म जो के द्वारा ही ये सब जो डर है भय है, कर्म में फंस जाने का डर है, पतन होने का चांस है, और शांति ये सब जो है ये सब परम शांति को प्राप्ति करेगा। ये अर्थात एक कर्म कामना कलिशितो, जिन लोगों का चित्त है कामना से कलुषित कंटमिनेटेड, ये लोग किसी भी हालत से ईश्वर के चरण में मनोनिवेश नहीं कर सके, करना संभव नहीं। ये एक चंचल है हृदय, बहु कामना वासना है, चंचलं ही मना कृष्ण, बड़ा चंचल है, अनंत कामना वासना का तरंगो लहर जीवों को उठक पटक के फेंक दे, गिर उठा के पटक देंगे। ये बैसन में कामना वासना तमाम दुनिया का बैसन लगे हुए ये सब अलग अलग रास्ते में आकर इतना इतना जोर जोर से लात लगाएगा तो इसका पतन स्वाभाविक है, होगा ही होगा, कोई रोक न सके। इसीलिए बोला सल्पमोपी अश्व धर्मस्य त्रायोते महतो भया, महतो भय तो ये कामना वासना ही, ये तो बंधन का कारण है, ये तो पतन करा देगा। इससे अच्छा तो ये है जे निष्काम कर्म योग्य का रास्ते पे चलो तो उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर अधूरा रह गया फिर भी इसमें उतना डेंजरस नहीं, वो तो ठीक हो जाए। यार धीरे धीरे रास्ते पे चले, चलते चलते अंतिम में कामना वासना के त्याग करके बस परम शांति को प्राप्त कर देगी। दूसरा श्लोक में ठाकुर जी बता रहे हैं कि व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहु शाखा अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनम। व्यवसाय मतलब बिजनेस नहीं है, व्यापार ये नहीं, व्यवसाय ये शब्दों को वेदों में शास्त्रों में बताएगा निश्चय
व्यवसायत्मिका बुद्धि जो है ये निश्चयात्मिका बुद्धि। तात्पर्य ये है कामना मूलक जाग यज्ञ व्रत तपस्या आदि अगर शुरू करके सुसंपन्न ना हो पाए तो उसमें मुश्किल तो है ही है, हमने बताया निष्फल हो जाएगा। जितना तक किया है वो भी बेकार जाए, पुनः शुरू करना पड़ेगा। ये तो राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण खुद मौजूद थे, नहीं तो शिशुपाल के लिए बड़ा यज्ञ जो है बड़ा खतरनाक अवस्था में पहुंचा था, क्योंकि यज्ञ क्षेत्र में अगर खून खराबा हुआ एक बूंद भी खून पड़ गया तो बेकार हो जाएगा पूरा के पूरा, एकदम पहले से शुरू करना पड़े। ये तो ठाकुर जी, ये तो भगवान का शुक्र है ठाकुर जी वहां पहुंच स्वयं मौजूद थे। और जब भी शिशुपाल को अपना चक्र से काट दिया, गले को काट दिया, तो क्या हुआ, गले को काट दिया फिर भी एक बूंद जो खून है वो यज्ञ भूमि को स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि खून निकाला ही नहीं। ऐसा ठाकुर जी का चमत्कार है, तो एक बूंद खून भी यज्ञ भूमि को स्पर्श किए नहीं, इसलिए यज्ञ भूमि का जो स्थिति है वैसा ही उसमें कंटामिनेशन अपवित्र नहीं हो पाया। ये ठाकुर जी का कृपा है। और साथ ही साथ शिशुपाल का जो आत्मा है ये शरीर से निकल कर ठाकुर जी का चरण में समा गया। ठाकुर जी का चरण में समा गया, ये वह चमत्कार है। ये एकमात्र ठाकुर जी है इसलिए संभव हो पाया, नहीं तो एक बूंद भी अगर खून गिरे तो हो गया छुट्टी पूरा यज्ञ। इतना कष्ट है, इतना खर्च है, पूरा पहले से शुरुआत करो, आप सोचो क्या बात है। और हमारा नाम यज्ञ क्या है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, ये मन लगा के हम करते चले तो इसमें चैतन्य महाप्रभु का ये तो सिखष्टक में है ही है। किसी भी हालत से करो तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, तो मंगल ही मंगल है। तो व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहु शाखा अनंतश्च बुद्धयो अव्यवसायिनः। इसका मतलब ये है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निष्काम भाव से कर्म करके हम को त्राण जरूर मिलेगी ऐसा निश्चय कर लिया, फैसला कर लिया, पक्का फैसला। निश्चयात्मक बुद्धि इसको बताया गया कि निष्काम भाव के द्वारा मैं जितना भी क्रिया अपना क्रियाकर्म करते हुए भी हमको त्राण जरूर मिलेगी ऐसा निश्चय करके जो कर रहा है कर्म, इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहा गया। ये व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि भी क्यों, बोले एक का इसका निष्ठा एक होते हैं, एकमात्र ठाकुर जी का चरण को पकड़ के चलते हैं। इसका निष्ठा जो है अर्थात एकनिष्ठ होना संभव है, ये चारों ओर से भागने वाला नहीं है, एक ही जगह जम गया। निष्काम एकनिष्ठ होना स्वाभाविक है, और चारों ओर भागने का कोई चांस ही है नहीं, इसलिए इसको निश्चयात्मिका व्यवसायत्मिका इत्यादि नाम पर गया। लेकिन जो अव्यवसाय अव्यवसायत्मिका बुद्धि जो है अर्थात अव्यवसायी गणों के, अर्थात जिसका
अंदर में हर वक्त बेचैनी बेचैनी है, बेचैनी अस्थिर चित्र, और क्यों न सकाम कर्म में लगे हुए हैं। ये करने वाले जो आदमी है इसका बुद्धि कभी निश्चयात्मिका हो नहीं पाते। इनके जो बुद्धि है चारों ओर मनोरथेन असतो धावतो बही, बही मतलब बाहरी जगत में, बाहरी जगत में, बाहरी जगत में तो डाइवर्सिटी है, बहुत काउंटलेस डाइवर्सिटी, इससे चारों ओर भागना शुरू कर दिए। इनके जो बुद्धि है बहु शाखा वाले, इसका ब्रांचेस ऑफ माइंड, ये मन जो है एक मुखी चैनलाइज नहीं है। जैसे स्टेट बैंक का लोगो देखे हो, स्टेट बैंक का एक ग्रीन एक ब्लू एकदम राउंड डीप ब्लू वाइट बॉर्डर देखे, ब्लू एक राउंड, अब बीच में से एक चैनल है, चैनल लिखा और लिखा हुआ स्टेट बैंक, इसका मतलब क्या है? फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए इसका मतलब ये है कि ये बैंक जो है अधिकोष, बैंक का बंगला है संस्कृत अधिकोष, ये अधिकोष देश का सेवा में लगा हुआ है, चारों ओर से जो पैसा खराब होने जा रहा है चारों ओर से पैसा को इकट्ठा करके देश का सामग्रिक उन्नति के लिए चैनलाइज किया जा सकता है, यही इनका काम है, ये सेवा है। सेवा तो हम यूज नहीं करे, ये लोग यूज करते हैं। सेवा शब्द एकमात्र व्यवहार होता है अप्राकृत जगत में, भगवान नाम धाम परिकर वैशिष्ट कुछ भी हो तो सेवा, लेकिन बाहरी आदमी सब सेवा हो सेवा हो, घोड़े का सेवा, गधा का सेवा, पागल का सेवा, गरीब का सेवा, सेवा आप प्रभुपाद कहते हैं कि सेवा ये जो शब्द है जहां तहां इसका व्यवहार नहीं हो पाता। जैसे जयंती, अब हम बचपन से सुनते आए हैं कि कृष्ण जन्म जयंती, अब सब आदमी रविंद्र जयंती, रविंद्रनाथ टैगोर का सारे में सारे जयंती शब्द तो सारी जगह यूज नहीं होते। जयंती माने जय होना, जिस व्रतों को पालन करके जय सुनिश्चित है, जयंती, लेकिन ये जयंती शब्द हर वक्त हर आदमी व्यवहार व्यवहार में लगे हुए सर ये भूखा है और क्या करे, ऐसा हालत है। तो अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले का बुद्धि तो चारों ओर बिखरे हुए हैं, वो भागेगा चैनलाइज चारों ओर से, लेकिन व्यवसायत्मिका बुद्धि वाले का जो बुद्धि है इट कैन बी चैनलाइज थ्रू ए पर्टिकुलर प्रोसीज्योर, ये ठाकुर जी का ओर निष्काम कर्मयोग के द्वारा एक ही चैनल से निकल रहा है, ये है, ये माने ये है। और ये जो अनिश्चयात्मिका बुद्धि वाले जो हैं इनके तो हालत बहुत खराब है, बेचैनी बेचैनी है, शांति नहीं मिलती, कुछ नहीं है, क्योंकि चारों ओर बिखरे हुए हैं। ये जो बुद्धि शब्दों का व्यवहार किया ठाकुर जी ने, जो बुद्धि शब्दों का व्यवसायत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन, ये जो बुद्धि है ये बुद्धि अलग अलग अर्थ लगाया जाए इसका। साधारण स्वाभाविक रूप से तो बुद्धि बोध ज्ञान अर्थ बुद्धि, ये इंटेलेक्ट बुद्धि शब्दों का प्रयोग हो पाता है। बोध अर्थात ज्ञान अर्थ बुद्धि शब्दों का प्रयोग होता है, और ये जो श्लोक है इसी में इसी अर्थों को मानकर इसी अर्थों को लेकर आगे बढ़ा। 39
9 नंबर श्लोक का अर्थ हो, इसमें एशाते अवीता सांख्ये बुद्धि योगे स्तुमम सिनु, ये जो श्लोक बताया था ना पहले 39 नंबर, एशाते अवीता सांख्ये बुद्धिर योगे तुइमं श्रृणु बुद्ध्वा युक् बुद्ध्वा बुद्ध्वा युक्तो यया पार्थो कर्मबंधम प्रहससि। यहाँ जो बुद्धि है ये भी, ये जो जया बुद्ध्या युक्त हो सन, जो बुद्धि के द्वारा, जो बुद्धि के द्वारा युक्त होने से, यह बुद्धि भी बोध है, ये मान बोध व ज्ञान इस अर्थ में व्यवहार किया गया। दार्शनिक परिभाषा में बुद्धि को व्यवसायत्मिका व निश्चयात्मिका मनोवृत्ति बोला गया, अंतरेन्द्रिय का एक कंस्टिट्यूएंट है। विषय के द्वारा इंद्रियों का संयोग होने से मन में अलग अलग किस्म का ज्ञान व संस्कार जन्म लेता है। विषय के साथ, विषयों के साथ रेस्पेक्टिव इंद्रियों का स्पर्श होने से, संयोग होने से अलग अलग किस्म का ज्ञान या तो संस्कार का जन्म हो सकता है। इसमें कौन अच्छा कौन बुरा है, ये जो ज्ञान या संस्कार पैदा होता है, इसमें कौन बुरा है कौन तो अच्छा है, ये जो विचार है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये ग्रहण करना चाहिए नहीं ग्रहण कर, ये जो है ऐसा जो संकल्प विकल्प है, ये मन का धर्म है। इस समय बुद्धि विचार करके ग्रहण करने में लग जाता है, मन का संकल्प विकल्पात्मक जो मन है, इस अवस्था में जब फंस जाए तो एक बुद्धि है जो निर्णय लेने में समर्थ है, ये निर्णय लेते हैं, अच्छा निर्णय लिया कि खराब नहीं, ये तो दूसरी बात है, लेकिन निर्णय लेना ये बुद्धि का काम है। बुद्धि विचार करके क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, ये जो विचार है, ये सब विचार करके तैयार करता है। इसका काम ही है, बुद्धि का काम निर्णय करना, बुद्धि डायरेक्टर है। इसीलिए मन को संकल्प विकल्पात्मक और बुद्धि को व्यवसायत्मिका इंद्रियों कहा जाता है। मन भी इंद्रियों, एकादश इंद्रियों, कर्म पंचकर्म इंद्रियों पंच ज्ञानेंद्रियों तो है ही है। संस्कृत भाषा में भी ऐसा कार्यो निर्णय करने का जो विषय है, अभिधान में इसका व्यवसाय बोला गया। बुद्धि अगर निर्णय करने में समर्थ हो गया, आप बुद्धि निर्णय लेने का बाद फिर माइंड जो है, मन जो है, फिर पीछे लग जाता है। बुद्धि अगर निर्णय करने में समर्थ है, निर्णय कर दिया चलो ये ठीक है, अगर ऐसा निर्णय करके रख दिया तो मन विचार पूर्वक उसी ओर दौड़ने लग जाए, आसक्त हो जाता है। बुद्धि निर्णय करके रख दे, निर्णय कर दिया तो मन इसी ओर दौड़ने लग जाता है। इसीलिए बुद्धि को व्यवसायत्मिक इंद्रियो बोला जाता है।
और ये जो निर्णय करने का बाद मन का जो हालत है इसको वासना बोला जाता है। ऐसा करके विचार करके दिखाया जो निश्चयात्मक बुद्धि क्या है नहीं है ये सब सारे धीरे धीरे विचार करके दिखाया। अब प्रश्न आता है काम कर्मो निष्काम कर्मों का पार्थक्य क्या है। जिसके द्वारा ईश्वर में चित्त एकनिष्ठ हो पाते हैं इसको योग बोला गया, पहले ही बोला। और ये माध्यम जो है अलग अलग है, कर्म होता है, ज्ञान होता है, ध्यान भक्ति होता है, जो भी हो। हमने बोला टू गेट इन कनेक्शन विद सुप्रीम लॉर्ड इज योग, ए ओपन टर्म। ये कर्म मार्ग हो सकता है ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भक्ति के द्वारा, कुछ भी होना क्यों, लेकिन ये योग बन गया। और यहां जो विचार उठाया गया ये कर्म जो का उपदेश, इसलिए दूसरा किसी विचार में जाने का इच्छा नहीं है। जो कर्म करने जाओ इसमें निष्काम बुद्धि से करो, निष्काम बुद्धि से करने जाओ और ईश्वर विषयी निश्चयात्मक बुद्धि कौन कर्म करने जाओ तो जिसमें ईश्वर विषय ने निश्चयत्व का बुद्धि पैदा होता है। ये प्रश्न समत्व बुद्धि युक्त निष्काम कर्मों के द्वारा ही संभव है। पहले ही ये सब बात को उठाया गया, विचार किया गया, क्योंकि केवल मात्र एकमात्र ईश्वर प्रीति, अपना कोई ख्वाहिश नहीं, अपना कुछ वासना नहीं, कुछ नहीं, केवल ईश्वर के प्रति विधान करना ही एक कर्म योग का उद्देश्य है। दूसरा कोई कामना वासना का गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन सकाम कर्मों करने वाले जो है अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले जो हैं, इनके बंधु अनंत पथे मनोरथेन असत धावत वही, ये असंख्य अनगिनत रास्ते पे चलता है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, असंख्य, कोई इसका कोई ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं है। क्योंकि कामना तो है, अनंत है, कामना का निर्वापन समाप्त होना संभव नहीं। काल इस बात को उठाया गया कि आग में, अगर आग में घृताहुति दिया जाए तो आग क्या कमेगा, आंख का निर्वापन कदापि संभव नहीं, आंख बढ़ते चले। ये निष्काम कर्म जो का जो है इसमें ईश्वर प्रीति छोड़ के दूसरा कुछ गंदगी है नहीं, किंतु सकाम बुद्धि वाले जो है इनका जो ये ब्रांचेस अलग अलग ब्रांच है, चारों ओर भाग रहा है। आज पुत्र चाहिए, काल सम्मान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, राज्य चाहिए, इन्हें सुंदर स्त्री चाहिए और बहुत सारे, और मरने का बाद भी उसका लिए भी कुछ डिपोजिट होनी चाहिए, इसके लिए दान पुण्य करो तो स्वर्ग मिले, जाग जोग कुछ भी करो। तो यह जन्म में और इसके बाद जो पर जन्म है ये मां ये विचार करके ये लोग अपना स्वार्थ को पूर्ण, अपना स्वार्थ का पूर्ति करने में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं। इसमें तमाम वेदों में ये जाग योग आदि अलग अलग किस्म का विचार बता, ये करो तो ये मिलेगी, ये करो तो ये मिलेगी, ये करो तो ये, अलग अलग एकदम। अब आदमी कहे तो वेद में ही है, वेद में तो है ही है, पहले भी ये विचार किया था, वेद में है, लेकिन वेद का विचार समझने में
बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, स्वर्ग का देवता लोगों ने ये भी घबरा जाता है, निर्णय नहीं हो पाते क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेसी है। तो स्वाभाविक रूप से आपको पता चलता है जे स्वकाम करने वाले का क्या है हालत और निष्काम कर्म करने वाले का क्या हालत, इसमें पार्थक्य क्या है, ये तो सपा दिखाई पड़ता है। तमाम दुनिया इन कामना वासना के पीछे दौड़ के दुखों का समुद्र में छलांग लगाना चाहते हैं, आग में छलांग लगाना चाहता है, यही लोगों का काम है। है तो वेद में ही, लेकिन गीता में भगवान साफा बता दिया, देखो वेदोश्च सर्वै रहम वेद्यो, वेदोश्च सर्वै रहम वेद्यो, वेदों का जो विचार है पूरा तमाम वेद पाठ करने का बाद अगर भगवान ना मिले, भगवान का चरण वेदोश्च सर्वै रहम वेद्यो, ना समझाया जाए या ना समझा जाए कि इसका अंतिम उद्देश्य ठाकुर जी का चरण है। बालानाम अनुशासनम, तो गया ये सब वेद पाठ करना, वेद पाठ करके भी उल्टा हो गया क्योंकि समझना मुश्किल है। और ठाकुर जी कह रहे हैं कि जमिमाम पुष्पिताम वाचाम, जमिमाम पुष्पिताम वाचाम प्रबदंती अविपश्चिता वेदवादरतः पार्थो नान्यद अस्ति इति वादिनः। जमिमाम पुष्पिताम वाचाम, पुष्पित माने डेकोरेटेड विथ फ्लावर, इसका मतलब जमिमाम पुष्पिताम वाचाम, ये जो हरा भरा बहुत मीठा मीठा सब शब्द है वेदों में, उपदेश है सब मीठा करा, बहुत सुंदर है, जमीमा पुष्पिता माज, ये लोभदायक है, इसमें लिखा हुआ ये कर तो ये मिलेगी, ये कर तो ये मिलेगी। तो ठाकुर जी ने बताया कि जमीमा पुष्पिता माजम, जो इतना लुक्रेटिव ऑफर्स, लोभदायक जितने सारे वचन मिलता है वेदों में, ये करो तो ये मिलेगी, ये करो तो ये मिलेगी, तो जमीमाम पुष्पिताम वाचः प्रबदन्ति अविपश्चितः। निर्बोध जो है, कम बुद्धि वाले जो है, ये लोग तो फंस जाए इसमें। इसमें क्या है, जमीमाम पुष्पिताम बाच, जम इमाम पुष्पिताम बाच बाच प्रबदंती अविपश्चित वेदवादो रतः पार्थो नान्याद अस्ति इति वादिनः। हे पार्थो, स्वल्प बुद्धि वाले जो है, वेदों में बहुत सारे चीज इनको जानकारी प्राप्त होते हैं, ये वेदों का वचन से लोग फंस जाते हैं। हे पार्थ, स्वल्प बुद्धि वाले जो है व्यक्ति जो है, वेदों का कर्म कांडों का जो ब्रांच है, वेदों में कर्मों का शाखा है, ज्ञान का शाखा है, अलग अलग है, आदमी को, अब आदमी को पता नहीं, ये बेचारा जानता नहीं कुछ, इसमें क्या होगी, उल्टा हो जाता है। हे पार्थ, ये जो स्वल्प बुद्धि वाले जो है, वेदों का कर्म कांडों का जो शाखा है, इसमें तरह तरह का विचार बना के रखा है, स्वर्ग प्राप्ति मिलेगी, ये मिलेगी, वो मिले, पुत्र प्राप्ति मिलेगी, सब जमीमाम पुष्पिताम वाचा वाचम, जमीमाम पुष्पिताम वाचम प्रबदंती अविपश्चिता वेदवाद रतः पार्थो नान्यद अस्ति इति वादिनः। और कुछ नहीं है, हा? बेकार। अरे ये सब धर्म भिन्न धर्म और कुछ नहीं है, कुछ क्या रखा है, यही तो है। जावत जीवेन सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत,
ये जो है इसमें तरह तरह का विचार बनाया गया कर्म कांड में, और ये तो चित्त हमारा अंतकरण को चित्त को कलुषित करने वाले हैं। ये लोग के लिए स्वर्ग ही सत्य पुरुषार्थ है, कुछ नहीं, क्या रखा है। ये लोग भोग सर्जों का लाभ के उपाय ढूंढने में लग जाते हैं। ये लोग जो है भोगई सर्जो लाभों का उपाय ढूंढने में, उपाय का स्वरूप विविध क्रियाकलाप, इनकी जो प्रशंसा है ये करो तो चमत्कार मिलेगी, ये इसमें अपरेंटली अपेक्षिक मनोरम वेदों का जो बातें हैं उपदेश इसमें लग जाते हैं। और ये सब बहुत सुंदर मीठा मीठा बोली जो है कर्ण का लिए, कर्ण विवर के लिए, कानों के लिए बहुत सुंदर एक आहार है। ये सकल करण कर्णों का श्रवण इंद्रियों का रमणीय वाक्य द्वारा अपना शुद्धबोध विचार को खो बैठता है, अपना शुद्धबोध विचार को खो बैठता है। और भोगई सर्जो प्रसक्तो आसक्तो व्यक्तिगणों के कार्याकार जो निर्णायक बुद्धि एक विचार में स्थिर नहीं हो पाते, अर्थात ईश्वर विचार में निष्ठो निष्ठा हो नहीं पाते। पूरा श्लोक को हम नहीं पाठ किया, विचार शुरू किया। जमिमां पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः वेदवादरतः पार्थो नान्यद उस्तीति वादिनः। ये धर्म जो है लिखा हुआ यही सब है और कुछ नहीं है। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रधान, स्वर्ग मिले कामना वासना पूर्ति के रास्ते पे चले। कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्मो फल प्रधान, जन्म कर्म का चक्कर में फेंकने वाले क्रिया विशेष बहुलाम भोगई सर्जगतिं पति। आज ये सब क्रिया कर्म में मन रमन कर रमन करना शुरू कर दे, और भोगई सर्ज क्योंकि आकर्षण तो है ही है भोगई सर्ज है नो, ये जो भोगई सर्ज गतिम ये भोग और ऐश्वर्य का गति का ओर चलना शुरू कर दे। भोगई सर्ज प्रसक्ता नाम जिन लोगों का विचार बुद्धि भोग ऐश्वर्य इसी सब विचार में फंसे हुए हैं, तया प्रति जो इसके इनके द्वारा ही विचार के द्वारा आत्मा का जो जो कुछ भी विचार है सब खो बैठता है। तया उपरत चेतसाम चेतना वास्तव विचार सब खो बैठता है। व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विदियत, इन लोगों के लिए व्यवसायत्मिका विधि दूर की बात है। ये लोगों के लिए तो कोई बहुत दूर की बात है, क्योंकि ये लोगों का व्यवसायत्मिका बुद्धि तो होता नहीं, असमाधो न विदियत, ये लोगों का होता ही नहीं कुछ। ये लोग का कर्जा कर जो निर्णायक बुद्धि अर्थात निश्चय तक बुद्धि में स्थिर होना ये लोगों के लिए संभव नहीं है, ईश्वर में एक अनिष्ठ हो नहीं पाते। भगई सर्ज प्रसक्त्यानम तया प्रतिचेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि ही समाधो न विधीयते, अर्थात पहले से अगर पाठ करे जमिमां पुष्पिताम वाचम प्रवदंती अविपश्चितः वेदवाद रतः पार्थो नान्यत अस्तीति वादिनः कामात्मनः स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगई सर्ज गतिं पति पति भोगई सर्ज प्रसक्त्यानां तया परित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विदियते। ये लोग के लिए निश्चयत्मिका बुद्धि प्राप्त करना कदापि संभव नहीं हो पाता। इसके बाद ठाकुर जी ने बताए या अर्जुन त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन निर्दंदो नित्य सत्यस्तो निर्योग खेम आत्मवान।
निर्जोगो खेम आत्मवान, यहां बताया गया जे ये जो है हे अर्जुन, तमाम बोधों वेदों में निस्त्रैगुण त्रैगुण विषय, त्रैगुण विषय मैंने रजस्तम सतो विषय तमाम चीजों को इधर लिखा गया इच्छा करके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रेडेशन जिसका जो संस्कार है उसी मुताबिक इसको फल मिलने वाला है। वेद ठाकुर जी ने बताया अंतिम में मेरे को ही दिखाता है और देखता नहीं कोई, ठाकुर जी दिखता नहीं, पूरा वेद पाठ कर लिया और ठाकुर जी मिला नहीं कुछ। लेकिन ठाकुर जी स्वयं बोला देखो वेदस्य सर्वैरहम् विद्वत्, हम ही है अंतिम उद्देश्य, तो हम ही है। हे अर्जुन त्रैगुण विषय वेद निस्त्रैगुण हो अर्जुन, क्यों निर्द्वंदो नित्य सत्तस्तो निर्योगो खेम आत्मवान, यहां विचार उठता है। हे अर्जुन वेद समूह में त्रैगुण त्रिगुण विषयक बहुत सारे चीज उठाया गया, ये स्वाभाविक है, किंतु तुमको तुम्हारा लिए मेरा ये उपदेश है निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, तुम निर्गुण निर्द्वंदो नित्य सत्तो जोगोक्षेम रहित एवं आत्मवान हो जाओ। ये बोलना आसान है बहुत मुश्किल। हे अर्जुन वेद समूह में तो स्वाभाविक रूप में सतो रजो तमो ये जो विचार वाले बहुत सारे चीज दिखाया गया, किंतु लेकिन तुम्हारा लिए हमारा ये आदेश है तुम निस्त्रैगुण त्रिगुण का अतीत अर्थात इसमें निर्द्वंद भूमिका, तुम निस्त्रैगुण भवार जुनो पहले बोला, उसका बाद बोला निर्द्वंदो नित्य सत्यस्तो निर्जोगो खेम आत्मवान, इतना सारी चीज बता। बहुत सारे इधर विचार रखा है, पहले बोला निस्त्रैगुण्यो निस्त्रैगुण्यो विषय वेदा वेदों में त्रिगुण, आ तुम आ ये त्रिगुणात्मक व्यक्तिगणों के लिए सकाम व्यक्तिगणों के लिए कर्मफल प्रतिपादक बताया गया, आ तुमको त्रैगुण्य विषय वेदा, तुमको निस्त्रैगुण्य निस्त्रैगुण्य मतलब निष्काम, सतो रजो तमो ये तीन गुण है, तीन गुणों के समाहार, ये तीन गुणों के द्वारा जो जो कर्म होते रहता है कर्म भाव समाहार, इनके नाम त्रैगुण्यो। ये त्रिगुणों का काम जो है कार्यो कहां देखा जाता है, बोले संसार में, सीधा बात है। ये त्रिगुण का जो काम है प्रकृति क्रियामानानी गुण कर्मेर अवसह अहंकार विमुरात्ता कर्ता अहम इति मन्नते, ये त्रिगुणों का द्वारा अभिभूत जीवों का जो मजा है ये बद्ध अवस्था में ये जड़ संसार में ये सृष्टि संसार में देखने को मिलता है। ये त्रिगुण के द्वारा प्रकृति जीवों को एक एक करके शरीर पकड़ा, एक एक करके शरीर दे दिया और ये संसार में फंसा के रख दिया, दुर्गा दुर्गति फोर्ट जेल जेल में डाल दिया। अब शरीर का सब जोड़ा हुआ जितना तो रिश्तेदार है जितने कर्तव्य सब इसमें फंसे, फंस के मरो, ये आसक्ति है इसका बंधन के कारण। इसलिए भगवान बोल अभी अर्जुन को बताया कि तुम निस्त्रैगुण्य भूमिका में जाओ, काम कर्मात्मक वेद जीवों के लिए संसार आसक्ति का प्रतिपादक है हर हालत में, क्योंकि कर्मकांड है ज्ञान कांड है इसका भाग है वेदों में,
अरण्यक भाग है, अलग अलग सब भाग है, कोई समझे नहीं क्यों वेद में ऐसा है, वेद वेद वेदों का अनुशासन है ऐसा है। एकदम गिरा हुआ इंसान के लिए पूरा ऊंचा बात बोलोगे तो समझ नहीं पाएगा, उसका ग्रेडेशन देर इसका लिए ठीक है, इसमें चलो ऐसे करो, कम से कम ये करो, ये करते करते ऊंचा अधिकार को प्राप्त की, अभी कम से कम ये करो, ऐसा करते करते इसको ऊपर 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 लेके परिपूर्ण उच्चा अधिकार में प्रतिष्ठित करने का विचार बना। निर्द्वंद का माने होता है शीत उष्णो सुख दुखो मान अपमान, इससे अचंचल भूमिका निर्द्वंदो, निर्द्वंद इसका नाम है, ठंडा गरम शीत उष्णो सुख दुखो मान अपमान लाभ अलाभ प्रॉफिट एंड लॉस जो कुछ भी है, इसका जो द्वंद्वमय भूमिका कंफ्लिक्टिंग कंडीशन, द्वंद्वमय भूमिका से द्वंद्वमय भूमिका के ऊपर जाना, इसका नाम है निर्द्वंद। अभी हम देखेंगे भगवान नित्य सत्वस्तु क्या है, नित्य सत्वस्तु क्या है, अनिर्द्वंद निस्त्रैगुण्य हो, निस्त्रैगुण्य पहले बताया तीनों गुणों का जो प्रभाव है इसका बाहर जाओ, फिर उसका बाद फिर बता रहे नित्य सत्व गुणाश्रित हो, नित्य सत्वस्त मतलब नित्य सत्व गुणों में अधिष्ठित हो जाए, ये बे मतलब है, एक ही बात दो बार बोला, ये तो पुनः आवृत्ति है ना, ये निस्त्रैगुण्य बोलना नित्य सत्वस्त गुणाश्रित हो जाओ, इसका लिए टीकाकारों ने जो तो आपका विश्वनाथ चक्रवर्ती बात है सीधे साई बात, इन निस्त्रैगुण शब्दों का व्याख्या थोड़ा सा अलग करके किया, निस्त्रैगुण निस्त्रैगुण शब्दों का व्याख्या स्थल में टीकाकारों ने त्रिगुणातीत शब्दों ऐसा नहीं बताए, निष्काम बोला, इसका चर्चा काल हो पाएगा, खुलासा पूरा करके ये सब अगर समझ में आए तो हमारा लिए गीता जो पाठ है ये हमारा लिए पूरा रास्ता एकदम खोल दे, हमारे लिए कोई बंधन नहीं टिकेगी पूरा। जो भी है आज इस तक विचार को समाप्त करने का इच्छा, अब टाइम नहीं है, काल ये श्लोक का भी चर्चा करें, देवर्षि भूता देवर्षि भूतात्मनीणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहितकर्तम। देवर्षि भूतात्मनीणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणी चराजन सर्वात्मना ज शरणम शरण्यम गौतम मुकुंदम परिहित्य कर्तम वांछा कल्पद्रोश्य के पास इंद पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमो नमः।